नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बकरा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। When you come, you must take me to the Marvel Studios. Promise? आऊंगा ना, promise. Okay. ठीक है बेटे, बाद में बात करेंगे. Bye. Bye. Yes. Thanks for the appointment, doctor. हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजी कोर्स कर रहे हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. I know. प्रोफेसर सीताराम ने बताया था बेटी. Tell me, what can I do for you? डॉक्टर, हम लॉजिकल माइंड एंड सुपरनेचुरल फोर्सेस के टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं. बहुत केसेस एनालाइज किए, कुछ कुछ केसेस तो अनबिलीवेबल हैं. फॉर एग्जांपल, वेट. हाँ, 2011 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन की मनीषा नाम की 4 साल की बेटी थी. अचानक उसने कहा कि उसका नाम सुमन है. राजस्थान में उसके पेरेंट्स को उसने पहचान भी लिया. आई जस्ट ऐड टू दिस, उस घर में सच में सुमन नाम की लड़की रहती थी. 5 साल पहले एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई. हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर? वी वर ब्लोन अवे बाय दिस फैक्ट्स. प्रोफेसर सीताराम के साथ इस बारे में हमने डिस्कस किया. इससे रिलेटेड एक केस आपने आपके साइकोलॉजी प्रैक्टिस करने के वक्त हैंडल किया था, ऐसा उन्होंने बताया. इफ यू डोंट माइंड, अगर आप कुछ बताएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प हो जाएगी. और हम सच में जानना चाहते हैं. ये दुनिया बहुत ही अद्भुत है. इट इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड सरप्राइजेस. I feel anything is possible in this world of ours. We just have to keep our minds open like a parachute. And then believe and later on accept. Okay, coming to the case that you are talking about. मैं भी एक केस से बहुत इमोशनली कनेक्ट हुआ था. साइंस को सोच में डालने वाला केस है वो. I think it was in the year 2013. स्माइल फाउंडेशन से आए हैं. बस्ती के बच्चों को फ्री स्कूल बैग दे रहे हैं आंटी. बहुत खुशी हुई बेटा. हाई फाइव. हाई फाइव. गुड गुड. हाई फाइव. हाय दीदी. हाय. हेलो दीदी. हाउ आर यू? 10 साल की हूँ दीदी. मुझे ये बैग दोगी क्या? दूंगी, लेकिन आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं दीदी, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, घरों में काम करने के लिए जाती हूँ. काम करने जा रही हो? हाँ दीदी, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे बैग लेके चलना बहुत पसंद है दीदी. काम पे जाऊंगी तो बैग लेके जाऊंगी. प्लीज दीदी, मुझे भी एक बैग दीजिए ना. ये लो. थैंक्स दीदी. ठीक है. हाय, क्या रे, काम पर जाने की जगह यहाँ टाइम पास कर रही हो? जाओ. हे, तुम किस तरह के इंसान हो, बच्ची पर हाथ उठाते हो? क्यों रे, सोशल सर्विस है क्या? 12 साल के बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट रूल है. तुम जो कर रहे हो वो एक क्राइम है. पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी. पुलिस कंप्लेंट करेगी? तुमने थप्पड़ क्यों मारा इसे? हमारी लड़कियों के साथ हम कुछ भी करेंगे. चुप रह, बैठ. तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या जो हमारे बच्चों को भड़का रही है? बस्ती के बच्चों का ध्यान कैसे रखना है हमें अच्छे से पता है. किससे पूछ कर तू आई है? बैठ. ए भाई, इन सबको शाम तक यही धूप में बैठाओ. ठीक है भाई. चल बैठ. बैठ. शाम तक धूप में बैठोगी तो सारी चर्बी उतर जाएगी. सोशल सर्विस करेंगे. हाँ?
15 रुपए की है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने गुंडे हो क्या? वो झगड़ा किए बिना रह नहीं सकते क्या? वो मुझे समझ में अरे ये क्या बात हो गई यार, तुझे प्रॉब्लम था इसलिए मैं आया ना। मैंने कहा ना कि मैं संभाल लूंगी, अगर थोड़ी देर रुकते ना तो मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती, किसी को नहीं बुलाती। पर अब देखो पुलिस स्टेशन तक मुझे आना पड़ा। ए, तू क्या पागल है क्या? अरे वो कोई भी उसका मतलब ये है कि अभी अभी शादी हुई है, कुछ दिनों पहले ही घर बदला है, इस समय झगड़े की क्या जरूरत है, समझा करो। तू चुप कर, फोन करने वाला तू ही था। बटरफ्लाई ये तेरे साथ मुश्किल है, सॉरी। ओके देखो बटरफ्लाई, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। तुम पर कभी भी कोई संकट आए तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा, बिकॉज आई लव यू। तुम पर किसी ने हाथ उठाया ये पता चलते ही उसकी जान लिए बिना बस मारा, ये सोचकर खुश रहो। ओके ए, हाँ मुझे बहुत सारा काम है, रात को लेट होगा, तू इसे घर पे छोड़ दे। ठीक है, टेक केयर ऑफ हर। चीटिंग हो गई। क्या चीटिंग है? गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ भाई? आगे एक्सीडेंट हो गया इसलिए रास्ता बंद कर दिया है, आप बाजू वाले रास्ते से निकल जाओ। ओके थैंक्स। सामने देखकर ड्राइव करो ना। अच्छा देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर तुम मुझे किस करोगी तो फुल एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंटली रोड पर मेरा फोकस बना रहेगा, ओके ना? नो चांस। नो कहने का ऑप्शन तो आपके पास नहीं है मैडम, और तुम्हें किस करना मेरा बर्थ राइट है।
यू ओके? तुम ठीक हो ना? कहा था ना सामने देखकर ड्राइव करो, तुम्हारी बात मानी, मेरे साथ यही होना था। क्या हो गया? कुछ तो करना होगा। हेलो, अब हम क्या करें? ये तो जंगल लग रहा है, हम घर कैसे जाएंगे? वहाँ पर एक घर है, कार देखने के लिए उन्हें बुला लेते हैं। पर हम तो उन्हें जानते भी नहीं। बात वो नहीं है, रात भर अगर कार यहीं पर रहेगी तो चोर आकर इसके पार्ट्स निकाल सकते हैं। ऋषि, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा दिया, मैं हूं ना। ऋषि, यहाँ तो कोई नहीं है, चलो चलते हैं। एक बार चेक करके देख लेते हैं। लॉक लगा है, मैंने कहा था ना यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ? यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। अरे इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, शमशान के पास कोई ना कोई तो हो गई, मैं देख लूंगा ना, तुम डरो मत। ऋषि आओ ना। मैंने कहा ना यहाँ कोई। सुनो, मैं बस मजाक कर रहा था, इससे तुम इतना डर गई? वैसे भी ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, इंसान कितना भी महान हो आखिर में यही आना पड़ता है, पीएम का भी परमानेंट एड्रेस यही होता है। अरे दिया सॉरी बोला ना। सुनो तो अभी शमशान से आए हैं, बिना नहाए मुझे छूना भी मत। नहाए बिना मतलब? जरूरी है क्या? अच्छा तुम्हें पता भी है क्या, जब हम दोनों मिले थे तो पहली बार तुमने मुझे हॉरर मूवी दिखाई थी, है ना? तो अब क्यों डर रही हो? चलो हटो। तो दो। ये क्या स्कूल के बच्चों की तरह फ्लाइंग किस?
hungry and sleepy. I'll make something. Okay. अरे बालू, अरे बालू, अरे क्या हुआ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। अरे बोलो तो। बाद में बात करते हैं। बोलो। अरे समझ ना यार, बाद में करता हूँ ना, रखना, कल करता हूँ। अंदर जो है वो कौन है? क्यों ऐसा? अच्छा,
हे, कब से खड़ी हो यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं नहाया ना, तो शावर से पानी कान में चला गया, वो बस क्लियर कर रहा था। आई वॉज जस्ट क्लियरिंग इट आउट। दिया, मेरे चेहरे पर तुम्हें कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या? ठीक से देखो ना। कोई मजाक का टाइम नहीं है, छोड़ो। वो बात नहीं है दिया, सीरियसली पूछ रहा हूँ, देखकर बताओ ना। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो मुझे। अरे दिया, दिया क्या हुआ? दिया क्या हुआ? Are you okay? दिया बोलो ना, क्या हुआ? मुझे आईने में कोई और लड़की नजर आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम खुद देख लो। दिया, 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 डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, दिया कुछ नहीं होगा, दिया देखो मुझे, दिया डोंट लुक एट द मिरर, डोंट लुक एट द मिरर, मुझे देखो, आई नीड टू शो यू समथिंग टू, क्या? प्लीज डोंट पैनिक, डरना मत। पिछले आधे घंटे से मुझे भी आईने में कोई और नजर आ रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं, यही सोचकर मैं डर रहा था, पागल हो रहा हूं मैं। असल में वो लोग कौन है? जब से शमशान से आए हैं तब से ऐसा हो रहा है, और सोशल मीडिया के डीपी भी उनके फोटो में बदल गए हैं। बताने पर तुम डर जाओगी, इसलिए मैंने बताया नहीं, पर मेरे अंदर का भूत बात करने का ट्राई कर रहा है। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, और एक बार अपने कान बंद करके बात करने की ट्राई करो प्लीज। दिया तुम्हें भी सेम प्रॉब्लम है क्या, ये समझना इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू इट। हेलो, ओके ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, तुम लास्ट टाइम और एक बार ट्राई करो ना। I'm right here with you. I'm right here with you. Please relax. It's okay. दिया, इस बारे में माँ को कुछ मत बताना, वो बहुत डर जाएगी। पहले ये क्या है हम चेक करते हैं, ठीक है ना? Yeah.
कैसे पहुंचेंगे? मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। I'll be there in an hour। हाँ, मैं भेजता हूँ। Yeah, thank you। Okay। Okay। ओए, अरे रे 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 रे, आओ। मैडम सुबह सुबह डल क्यों दिख रही हैं? दिया? क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूँ। बहुत बहुत बुरा सपना था ऋषि। पहले रोना बंद करो। मुझ में भी कोई है। तुम वायलेंट होगी तो ये क्या दिखता रहेगा? नहीं ना। ऑन अ मोर सीरियस नोट, हमारे प्रोफाइल पिक्चर में सिर्फ हमें ही कोई और नजर आ रहा है। नहीं तो अब तक हमारे फ्रेंड्स ने किसी ने तो हमें फोन किया होता ना। इन एनी केस, एक हिप्नोटिज्म सेंटर में मैंने अपॉइंटमेंट ली है। मैं वहां जाके असल प्रॉब्लम क्या है ये जान लेता हूँ। इन द मीनवाइल हो सके तो तुम चर्च के फादर से बात करो। नहीं, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। रो मत, ओके? बिना दीदी, क्या हुआ साहब? एक बार वो तस्वीर साफ कर दो ना, धूल लगी हुई है। ठीक है। धूल नहीं है साहब, बस दूर से ऐसा लग रहा होगा। मिस्टर ऋषि, आप शमशान गए थे, वहां पे आपने जलती हुई बॉडी देखी, उसके बाद आप घर आ गए। वो डर, वो टेंशन, उस प्रेशर की वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं, हा? आपको फेसबुक, व्हाट्सएप डीपी में आपको किसी और का चेहरा नजर आ रहा है ना, वो आपका भ्रम है। सिर्फ आपको नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अनुसार आपकी बीवी को भी आईने में कोई और नजर आ रहा है, ये बात मुझे बड़ी अटपटी लग रही है। आई एम ए PhD इन हिप्नोथेरेपी। आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मैं विद इन सेकंड सॉल्व कर दूंगा। आप वहां सोफे पर बैठिए। ऐसे केस को डील करने में मुझे बहुत ही मजा आता है, लेकिन आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आइए मैं देखता हूँ। सर, आईने में देखने के लिए थोड़ा डर लग रहा है सर। ऋषि, मैं यही हूं ना, हा? चलो हिम्मत से काम लो। आप जाइए सिस्टर, बाइबल में होली स्पिरिट नाम का एक शब्द है, इसका मतलब है पवित्र आत्मा, जो प्रभु की सेवा करती है उन सारी आत्माओं को एंजल्स कहते हैं, और प्रभु के खिलाफ जाने वाली आत्माओं को डीमंस या फिर शैतान कहते हैं। ये पवित्र आत्मा और मरे हुए इंसान की आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हमारी आत्माओं को एंजल या डीमन नहीं, भूत कहते हैं। बाइबल के हिसाब से एक इंसान के मरने के बाद उसका भगवान के दरबार में फैसला होता है, हमारे किए गए पाप और पुण्य को लेकर हमारी आत्मा स्वर्ग में जानी चाहिए या नरक में जानी चाहिए, इसका निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक इंसान की आत्मा इस भूमि में ही रह के किसी दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए, इसके बारे में बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। परंतु प्रकृति में ऐसा बहुत कुछ घटता है जिसके बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आता। आज से 400 साल पहले ग्रीस के एक गांव में एक बच्चे को आईने में एक बड़े इंसान का रूप नजर आया, फिर गांव वालों ने डर से उस बच्चे को मार दिया। उस वाक्य को लाइब्रेरी में ध्यान से छुपाया गया है, जो मैंने पढ़ा था आज वो सामने देख रहा हूं। ऋषि,
मैं अभी तुम्हें हिप्नोटाइज करके आपको सुला दूंगा और आपके इनर माइंड को पढ़ने की कोशिश करूंगा। आईने में देखने वाले आदमी से संबंधित आपके इनर माइंड में क्या है ये पता लगाऊंगा और उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये डिसाइड करूंगा। अब आप सिर्फ मेरे थंब की तरफ देखिए, मेरी उंगली ही देख रहे हैं ना। फोकस ऑन माई थंब, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप मेरे थंब को देख रहे हैं ना। धीरे से सो जाइए, सो रहे हैं आप ना, सोइए सोइए। ओके रिलैक्स। आईने में दिखने वाला इंसान कौन है, उसे आपने पहले कहीं देखा है क्या? जब आप शमशान गए थे वहां आपके साथ क्या हुआ था, कुछ बताइए। ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा ना। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ तो बताइए। हेलो, कम से कम आप तो बताइए, आप इनकी बॉडी में कैसे आए? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप भी सोएंगे ये भी सोएगा तो मुझे आंसर कौन देगा? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वास्तविक दिखने वाली हॉरर मूवीज और सोशल नेटवर्क्स पर इससे संबंधित वीडियोस जनता को भूत है ऐसा विश्वास दिला रहे हैं। तुम बेवजह फिक्र मत करो, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसका कोई एडवांस ट्रीटमेंट जरूर होगा। ऐसी कोई समस्या आती है तो प्रभु पे भरोसा करके हिम्मत से आगे कदम रखना चाहिए। तुम बिल्कुल मत डरो, यू विल बी ऑल राइट। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो परेशानी आपको ही होगी, आप कहीं आ जा नहीं पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऋषि। अरे चुप करना। यस, तुझे असल में अकल वकल है कि नहीं है? एक आदमी वहाँ शांति से सो रहा है, उसे पता पता कहके क्यों परेशान कर रहा है? वो बेचारा तेरे कंट्रोल में है, तू हिप्नोटिज्म का डॉक्टर है, पहले तू उसे भर पेट खाना खिलाता है, फिर उसे कुर्सी पे बैठ के सुलाता भी है, और उंगली करके अब उठा रहा है, चप्पल से मारूंगा मैं। नहीं मम्मी, बस ऐसे ही देख रही थी। चलिए आइए। ये क्या बात हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रात भर मैं फोन करती रही लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया, मेरा बेटा भी फोन नहीं उठाता, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? नहीं मम्मी, आपको मैसेज करने की सोची पर नींद आ गई। पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। रुको, मैं उसे फोन लगाती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं खुद ही आपको बताने की सोच रही थी, ऋषि का पैर बाथरूम में फिसल गया और वो गिर गया। क्या कहा? बाथरूम में फिसल कर गिर गया है? तुम में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? जो बात मुझे फोन करके बतानी चाहिए वही नहीं बताई तुमने, ऐसे कैसे गिर गया वो? सुनाई दे रहा है? ऋषि, कितनी बार तुम्हें फोन करना होगा? टेंशन के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। डॉक्टर के पास था दिया, चेक कर रहा हूं तो फोन कैसे उठाऊं? ओके ओके, क्या कहा डॉक्टर ने? टैबलेट्स लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तुम फादर के पास गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया, बस कहा कि फिक्र मत करो और हिम्मत से रहो। अरे असली बात तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी मम्मी आई हुई है। मां आई है क्या? हम फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए बहुत डांट पड़ी, वो बहुत पूछ रही थी तो मैंने कहा कि तुम्हारा पैर बाथरूम में फिसल गया और तुम गिर गए, वो कुछ पूछेंगी तो तुम भी यही कहना। हां ठीक है, मैं देख लूंगा। ऋषि, अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। एक बार मैं वो शमशान के पास जाके कोई दो लोग मरे थे क्या इसका पता लगाता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ए, चल चल।
माजी, यहाँ पर 30-35 उम्र के कोई आदमी और औरत की लाश आई थी। यही बात पूछने के लिए पुलिस वाले मेरे बेटे को भी पकड़ के ले गए। किसने मारा है पता नहीं, पर हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। कल दो लाशें यहाँ आई थी, दोनों बुढ़े थे। हर बार एक ही सवाल पूछ के हमारा दिमाग खराब कर देते हो। जाओ यहाँ से। थैंक्स माजी। आईने में जब मैंने अपनी बहू को देखा तो मुझे कोई और लड़की नजर आ गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर कोई भूत वगैरह ऐसा मतलब तांत्रिक के पास जाकर पूजा वगैरह करवाऊं क्या? नहीं नहीं, जब से आईने में देखा है तब से मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। किसी डॉक्टर को इतना चैलेंजिंग केस इतनी इजीली नहीं मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट। दिया का कंप्लीट बॉडी स्कैन करते हैं। अपने बेटे को कहिए कि वो दिया को यहाँ लेकर आए। ठीक है। फोन कीजिए, स्पीकर पे लगाइएगा। हाँ। क्या कर रही हो? ये सारी फोटोज देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इनसे कोई डरता है क्या? Everything's gonna be okay, promise. हेलो। हाँ माँ। अरे ऋषि कहाँ हो तुम? वो सुबह बाथरूम में फिसल कर गिर गया था। सॉरी सर। इट्स ओके। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब मैं घर गई थी तो आईने में दिया किसी और लड़की की तरह लग रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी, वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। तुम एक काम करो, दिया को लेकर अपोलो हॉस्पिटल आ जाओ। प्रॉब्लम सिर्फ दिया को नहीं है, मुझे भी आईने में कोई और दिखाई दे रहा है माँ। सो ऋषि, टू बिगिन विद, आपकी रिपोर्ट सब परफेक्टली नॉर्मल हैं, एंड इट्स नॉट अ हिप्नोटिकल इशू, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डॉक्टर, तो फिर आईने में दिखने वाले कौन है? आई एम कमिंग टू दैट, पर उससे पहले आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। भूत जैसी चीज असल में होती नहीं है। इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा को ही हम भूत कहते हैं, और आत्मा जो है एक सुंदर मेमोरी होती है। हम पर आती है धूप, बारिश, हवा, और ठीक उसी तरह। क्या ये कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है, या फिर आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या फिर ब्रेन से मेमोरी लीक हो रही है? आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड राइट नाउ, बट विल गेट टू इट। एंड आई मस्ट एडमिट, इतना रेयर केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। करोड़ों में से एक इंसान दो सिर के साथ पैदा होता है। कुछ लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बच्चों जैसे ही रह जाते हैं, और ये केस भी कुछ ऐसा ही है। पर तुम दोनों को एक ही प्रॉब्लम एक साथ होना, ये थोड़ी आश्चर्य की बात है। इसकी मेडिसिन क्या है, ट्रीटमेंट क्या, अगर ये आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, रेमेडी स्टडी करनी होगी। डॉक्टर बताना भूल गया, बात करता हूँ तो कोई साउंड ओवरलैप हो रहा है। नॉर्मल बात करते समय नहीं, पर फोन पर बात करते हुए या फिर ऐसे कान बंद करके बात करता हूँ तो कोई अनजानी सी इरिटेटिंग नॉइज। नो दैट्स नथिंग। आप इस बात से डर रहे हो कि आप जब आईने में देखते हो तो आपको अपनी जगह कोई और नजर आ रहा है। वी कॉल इट हेलुसिनेशन। आमतौर पर जब हम बातचीत करते हैं और अपने कानों को ब्लॉक कर लें तो एको साउंड सुनाई देती है। दैट्स हार्डली एनीथिंग, वी कैन ट्रीट इट विद मेडिसिंस। डॉक्टर वन लास्ट क्वेश्चन, आईने में जो दिखाई दे रहा है उसके वायलेंट होने के कोई चांसेस हैं? इट्स हार्ड टू नो कि आईने वाला क्या कर सकता है डॉक्टर, वो इट्स ओके। ओके, हियर्स द डील। ऋषि के बदले में आईने में जो दिखाई दे रहा है वो आईना फोड़ के बाहर आके अगर आप सबको मार देगा तो हम भी उस भूत को मार देंगे। ओके ना? ए कम ऋषि, इट्स ओके, कम ऑन। दिस इज लाइक मैजिक ऋषि।
भूत को हम जैसा मूवीज में देखते हैं वैसा नहीं है। इसकी आंखें सफेद नहीं है, इसके बाल अस्त व्यस्त नहीं है, ये हमारी तरह नॉर्मल दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इससे डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट हिम। कम सर, सर असल में आईने में देखने वाला कौन है और वो जिंदा है या मर गया है? एटलीस्ट आप थेरेपी दोगे तो शांति से रहेंगे ना सर। बैठो बैठो, सिट। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने हॉस्पिटल आने के लिए कहा है। असल में आने वाला व्यक्ति है या मर गया ये पता लगाने के लिए कहते हैं। इससे आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और मुझे भी ट्रीटमेंट के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके ए सुभाष। सर बोलिए सर। तू डर क्यों रहा है? यू आर अ पुलिस, बी ब्रेव। सर एसीपी साहब, भूत नहीं होते हैं ये प्रूव करने के लिए मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। मिरर में दिखने वाले व्यक्ति कौन है, असल में वैसा कोई आदमी है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। डोंट वरी डॉक्टर, इस धरती पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो 100% पकड़ेंगे उसे। जस्ट अ सेकेंड। इस डिवाइस का नाम है ईवीपी, इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। अगर कोई भूत बात करेगा या पैरानॉर्मल साउंड सुनाई देगा तो उसको इस डिवाइस के जरिए पहचाना जा सकता है। हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि भूत से बात करने के लिए वो बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाते हैं, तो और ये उसका स्मॉलर वर्जन है। ऋषि, इफ यू डोंट माइंड, एक बार जरा इसमें कुछ रिकॉर्ड करो। हाय, मेरा नाम है ऋषि, मेरी वाइफ का नाम है दिया, और मेरी माँ का नाम है ललिता। आई एम सॉरी, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इसमें रिकॉर्ड हुआ या नहीं जरा ये चेक करते हैं। ओके देखा आपने, कुछ भी नहीं है, बिकॉज देर इज नो गोस्ट, भूत जैसा कुछ होता भी नहीं है। मैंने जैसा सोचा साउंड भी डर के कारण ही आया होगा, आपकी सोच के हिसाब से भूत ने बात नहीं की। सो ऋषि, मैंने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेते रहो, माइंड रिलैक्स रहेगा। एक्चुअली मुझे इनसे आपके प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी है। आई सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू एसीपी सर। हिम्मत से काम लीजिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं सच में भूत समझ के डर गया था। नहीं सर, आईने में ऋषि के बदले कोई और आदमी दिखाई दे रहा था, तो वो भूत नहीं होगा तो और क्या होगा? पहले आपने मेडिकल प्रॉब्लम कहा, अभी आप बोल रहे हैं कि भूत है, क्या बोल रहे हैं सर? सर आपकी बॉडी में भूत है ऐसा किसी पेशेंट को कैसे कह सकते हैं, इसलिए कहा कि मेडिकल प्रॉब्लम है। होप यू अंडरस्टैंड, ये एक डमी मशीन है, इट्स अ नॉर्मल रिकॉर्डर। एक्चुअल मशीन यहाँ पर है, इसमें 100% रिकॉर्ड हुआ होगा। क्लिक करके सुनते हैं। सर ये ऋषि के बदले आईने में दिखने वाला इंसान बात कर रहा है, यूजुअली ऐसा हमारी स्लीप साउंड में होता है। सुभाष सर, मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है, तुम बाहर जाओ। ओके सर। दरवाजा बंद कर देना। ठीक है सर। डॉक्टर साहब। सर क्या हुआ सर? वो भूत है, आपको पता था ना? हाँ मुझे पता था सर। आपको पता था तो मुझे क्यों बुलाया आपने? मुझे नहीं बुलाना चाहिए था डॉक्टर साहब। अगर आईने में कौन है बस वो पता लगाना था तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देते, मैं भी पता लगा कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता। मुझे आपने भूत के साथ फंसा दिया, ऐसा क्यों किया डॉक्टर साहब? वो जो भूत है वो क्या आप मुझे छोड़ेगा, दिन रात मेरा पीछा करेगा? अबे तेरी ऐसी की तैसी मुझे फंसा दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसने मुझे पकड़ लिया? तो सुनो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मुश्किल से मिरर के अंदर जो मुझे दिखा उसे पकड़ कर आपको हैंड ओवर कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन है, लेकिन भूत को आप ही संभालिएगा। सर बचपन से लेकर आज तक मैंने भूत की एक भी फिल्म नहीं देखी है सर, मुझे पता है ये बात आपको नहीं पता होगी सर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर गीला हो चुका हूँ सर मैं। पुलिस हूँ तो भूत से डर नहीं लगेगा क्या मुझे? अरे भूत है, कोई खिलौना नहीं, भूत पकड़ने के लिए पुलिस वाले मिले थे इनको भी मैं। नो मोर पेशेंट्स प्लीज। अरे भूत की समस्या थी तो तांत्रिक को बुलाना चाहिए था, पुलिस वालों को बुलाते हैं। ये क्या मुसीबत है,
ऐसी हालत तो किसी दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। देख लिया क्या, पीछा कर रहा है मेरा लग रहा है। हे भगवान, आप ही कुछ करो। ऐसे क्यों घूर रहा है? फॉलो 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 मी वाई ही फॉलो 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 मी वाई आर यू फॉलोइंग सर? You are going to show me. मैं क्या करूं राम? मुझे भूत मिल गया, एक दाएं मिल गया, एक बाएं मिल गया। मैं क्या करूं राम? सर, मैं बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ सर। आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है मैंने सर। लाइफ में कभी एक क्रिमिनल को भी ऐसे नहीं मारा है सर। अरे पंडित की नौकरी करनी चाहिए थी तुझे। अरे तू पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों चला आया? ऐसे बोल के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं सर। सर, इतनी देर से मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप एकदम चुप क्यों है सर? तांत्रिक के पास जाने की तूने डॉक्टर को सलाह दी थी और अब ऊपर से मासूम बने का नाटक कर रहा है। अगर आप तांत्रिक के पास जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या ये पता चलेगी। सोचा था आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप दोनों को अलग करने के लिए नहीं सोचा था सर। हाँ इतना जरूर है कि सर कहाँ चले गए आप? सर ये तो कहीं चले गए, सर ये भी कहीं चले गए। सर, अरे सर, क्या हुआ सर? आप अपने आप से क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा, मैं अपने आप से बात कर रहा था, लग गई। Thank you. Sir, आप फोन भूल गए थे। Oh, thank you. Welcome. Thank sir. you so much. God. ऋषि बाहर। क्या कर रहे हो ऋषि? तुम्हें प्रॉब्लम है इसलिए तुम मेरे पास आए थे, अब तुम मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हो। सर, मुझ में मेडिकल प्रॉब्लम है कहकर आपने मुझे भेज दिया। उसके बाद मैं कॉरिडोर में जब वेट कर रहा था तो मैंने एसीपी सर को देखा। डर के मारे यहां वहां घूमकर अपने आप से ही बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी भूत को देख लिया हो ऐसे डर गए थे। तभी मुझे डाउट हुआ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डराने की कोशिश की। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे इतनी गहराई से सोचना नहीं आता है डॉक्टर, मुझे बस सच जानना है। अभी भी आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है और भूत जैसी कोई बात नहीं, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन सच बोलिए डॉक्टर प्लीज। ऋषि, एक अच्छे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये जानते हो? पेशेंट को डराए बिना उनका ट्रीटमेंट करना। कोई भी डॉक्टर वही करता, मैंने भी वही किया, पर तुम्हारी क्लैरिटी देखकर लग रहा है कि तुमसे अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर में जो है वो भूत ही है। भूत नहीं है ये सोचकर भी डर लगे उससे तो यही बेटर है डॉक्टर। बाय चांस अंदर का भूत अगर रिएक्ट करे तो सेफ होने के लिए प्रिपेयर तो रहूंगा। सी ऋषि, हर केस को अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। कुछ केसेस में रिजल्ट्स जल्दी बता दिए जाते हैं, पर कुछ केसेस में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। थोड़ा धीरज रखो, यू विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। थैंक्स डॉक्टर, टेक केयर। आपको परेशान किया हो तो सॉरी।
अरे आजा आजा। अरे एक और चिल बियर लेके आना मेरे लिए। हैं हैं, ये क्या दारू सामने रख के मेडिटेशन कर रहे हो? हे ब्रो, आई एम महेश फ्रॉम बागीचे बगल वाली गली। बियर सामने रख के इतना सोचना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। पियो पियो, कम ऑन, चीयर्स। नहीं ब्रदर। क्यों ब्रो, क्या हुआ? मेरा एक प्रॉब्लम है यार, जस्ट मुझे अकेले छोड़ दो। अरे जिंदगी में किसी प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे नहीं है क्या? सुबह उठने में देरी हो गई तो पिताजी मारते हैं, बिना नहाए धोए ऑफिस चला गया तो सारे कुलीग्स गाली देते हैं, मैं चाहे कितना भी काम कर लूं प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा रोता रहता है कि मैं काम ही नहीं करता हूं। पी ना यार भाई, पी 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 पी। समझा करो यार। अब क्या हुआ? मुझे मेरे अंदर और कोई बसा हुआ है। अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या वो तुमसे बात कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये टाइम अल्कोहल पीना सही नहीं है। तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ही है, मेरे अंदर तो दर्जनों भरे हैं। तीन पैक के बाद छोटा भीम बाहर आता है, छठे पैक के बाद आयरन मैन बाहर आता है, और अगर 10 पैक मार लिए तो हल्क बाहर आ जाता है। सारी एवेंजर्स फैमिली मेरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है। अब तुझ में और मुझ में क्या फर्क है, समझ जा रहा भाई? अरे पी ना भाई पी। अगर मैंने पी लिया ना है? तो मुझे चढ़ेगी या मेरे अंदर जो है उसे चढ़ेगी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम एंजॉय करो यार। अरे ये सब छोड़ो ना यार भाई, एक फोटो लेता हूँ मैं। ब्रो, फोटो मत लो यार। अरे भाई अगर बार में तुम कहीं नजर नहीं आए ना तो तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें पहचान लूंगा, इसीलिए आ जाओ। ये कौन है वहाँ, किधर है, किसको ढूंढ रहे हो? अरे मैं तुम्हारे साथ फोटो निकालना चाहता था, कोई बुरी शक्ल वाला बीच में आके घुस गया, किधर है वो? ढूंढ रहा हूँ उसे मैं। वो बुरी शक्ल वाला और कोई नहीं, इससे पहले मैंने कहा था ना कि मेरे अंदर कोई है, ये वही है। अब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, मेरे अंदर जो है वो कहते हैं भूत है। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स बी फ्रेंड्स ब्रो। ए भाई भाई भाई, अरे रो क्यों रहे हो? 3000 की दारू पी चुका, ऊपर से जीएसटी भी लगेगा, सारी पीवी उतर गई यार, अब मुझे दोबारा पीनी पड़ेगी, डबल खर्चा हो गया। अरे शटर बंद मत करना, मुझे बाहर जाना है। बिल प्लीज। हम कहाँ जा रहे हैं? दरअसल एसीपी सर ने पता लगाया है कि वो कौन है, डॉक्टर ने बुलाया है। देखा क्या, भूत भगाने का टीका। तो अब आपको भूत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। वेरी गुड एसीपी साहब, पर आपको पता है कि भूतों को विभूति टीका, तावीज धागा, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बाप रे, ये विभूति उन्हें पसंद नहीं है क्या? हाँ पसंद नहीं है। हटा दिया। हेलो डॉक्टर। अरे ऋषि, कम ऑन इन। हाय सर। हेलो ऋषि। हेलो सर। कम सिट, बैठो बैठो। सर क्या आप बता सकते हैं कि आपने पता कैसे लगाया? भाई 4 लोगों का पहले एक्सीडेंट हो चुका हैदराबाद के हरिनगर बाग के पास, और इसीलिए हम उन लोगों को ट्रेस कर पाए। भाई एक बात बताओ, कभी उस तरफ से गए थे क्या, घूमते टहलते? सर हाँ सर, रिसेंटली हम विगार बाग से रिटर्न आते समय उसी तरफ गए थे, इनफैक्ट वहाँ पास में एक शमशान के पास भी गए थे सर, तो वहाँ पर एक डेड बॉडी जलते हुए दिखी थी। सेम स्पॉट, अभी हमारे लिए शमशान, आग, लाश, हमारे कैसे कोई संबंध नहीं है, वो डेथ स्पॉट है। अर्जुन, माधवी और एक और कपल उस एरिए में आए थे और उसी जगह पे उन दोनों की डेथ हो गई, और उस जगह पे जिनकी मौत हुई थी अर्जुन और माधवी, उन्हें ही तुम मिरर में देख रहे हो। सुभाष वो पेपर दो। सर देखिए,
एक्सीडेंट है, मैं एक्सीडेंट में मर गया था। मतलब मैं इसकी बॉडी से पूरी दुनिया देख रहा हूं, मतलब मैं ही भूत हूं। डॉक्टर, अभी तक आप हमें अर्जुन की बात बता रहे थे। वही है इस केस की स्पेशलिटी। अर्जुन मर के ऋषि की बॉडी में आके उसकी बॉडी में ऋषि आया है ये समझ के डर गया। सॉरी सर, एक मिनट, तो फिर आईने में अर्जुन ऋषि को कैसे दिखता था? एक्चुअली ऋषि को ही आईने में मरा हुआ अर्जुन दिखाई देता है। हम सब ने भी अर्जुन को आईने में ही देखा है। अर्जुन को यह सच एक शौक के तौर पर बताना था। वो कहता है मेरा नाम अर्जुन है और तुम्हारा नाम है माधवी, हमें हमारे नाम भी याद क्यों नहीं है? असल में ये दिया ऋषि कौन है ये? हम ही उनकी बॉडी में आ गए हैं, मतलब हम सभी को ऋषि और दिया की बॉडी से देख रहे हैं। मतलब सभी ने हमको आईने में ही देखा होगा ना? आईने में, सेल्फी वीडियो में उन्हें हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। उनके सारे के सारे प्रोफाइल पिक्चर्स में हम कहीं दिखना चाहे वो चेक कर रहे हैं, तो उन्हें देखकर हम डर गए। ये हमारा घर नहीं है माधवी, हम मिले भी ऋषि की माँ को थे। ये लाइफ हमारी नहीं है। हमारा घर कहाँ है? हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर वन सेकेंड, सॉरी, आप जो कहानी बता रहे हैं हम वैसे विजुलाइज करके देख रहे हैं, तो मुझे अर्जुन की बाहर दिखाई दे रहा है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अर्जुन आईने में और ऋषि बाहर दिखाई देना चाहिए। देखो, मैं अर्जुन की कहानी को अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ इसलिए, सो इट्स बट ऑब्वियस, तो तुम्हें अर्जुन बाहर ही दिखाई देगा। उसमें गलत क्या है? तुम इसे ऐसे ही विजुलाइज करो तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। अर्जुन, हम दोनों अब तक इनकी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकले हैं? ऐसा क्या? मैं रोज एक बॉडी में एंट्री लेके एग्जिट कर रहा हूँ ना, मुझसे पूछ रही हो? सुपर एक्सपर्ट हूँ ना मैं? क्या करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से तुम दिमाग खा रही हो। माधवी, अब तक हम जब भी आईने में देखते थे तो डर कर भागते थे ना? हाँ, क्यों? अब आईने से बात करके देखते हैं। मैं बाथरूम में जाकर चेक करता हूँ और तुम बेडरूम में जाकर चेक करो, ठीक है? हाय ऋषि। हाय। बाप रे, ऐसे क्यों गिर गया? बॉस, अरे बॉस ऐसे डर क्यों रहे हो यार? अरे निकल लो यहाँ से। अरे अकल नहीं है क्या तुम्हें? अरे मैं भूत हूँ, मूवीज नहीं देखते हो? तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी पर भूत का कंट्रोल होता है। कंट्रोल किया है? डरो मत, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रही है ना? बेवजह तुम ऐसे डरो मत यार, कुछ तो बोलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मुझे बाथरूम नहीं आई है लेकिन बाथरूम जैसा फील हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे आने के बाद हो रहा है, ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। ब्रदर, बेवजह से डरो मत, मैं मूवीज में दिखने वाला कोई वायलेंट भूत नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक मामूली आदमी हूँ। असल में मैं तुम्हारी बॉडी में कैसे आया ये बात मुझे कुछ याद ही नहीं है। एटलीस्ट ये पता चलेगा तो मैं बाहर कैसे आना पता लगा सकता हूँ। अब किसी भी तरह हमने बात करना शुरू किया है, मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है। हम दोनों डिस्कस करके तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, चार दिन पहले शेवलरी रोड पे आप कार में आए थे क्या? हाँ ब्रो, उस दिन पास के रिसॉर्ट में मैं और मेरी वाइफ गए थे, वहाँ चिकन 65, मटन चॉप सूप और एक गिलास लस्सी भी पी थी, फिर हम वापस आ गए। आते हुए रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके आसपास कोई नहीं था, हम हेल्प करने के इरादे से कार के पास गए, कार के अंदर भी कोई नहीं था, तो हमने पुलिस को फोन किया। जैसे मैंने फोन किया मुझे शॉक लगा। हेलो हेलो, मेरी वाइफ को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है और मैंने एक बार अपनी बीवी को शमशान ले जाकर डराने का प्लान भी बनाया था। वहां से जब मैं घर वापस आया तब से आईने में मुझे तुम दिखाई देने लगे, लगता है
शमशान घाट में अनजाने में तुम मेरे शरीर के अंदर घुस गए थे, इसलिए मैंने वहां जाकर चेक भी किया। कल दो लाशें यहाँ आई थी, दोनों बुड्ढे थे। उस बुढ़िया के बेटे को पुलिस वाले ले गए थे, वो तुम्हारे डेथ की इंक्वायरी कर रहे थे, ये मुझे अभी समझ में आया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, शमशान में मेरी वाइफ को डराया, शमशान से घर आया तो आईने में तुम दिखाई दिए, तब तक तो मुझे भी याद है। एक काम करते हैं ब्रो, वो जो डॉक्टर है ना उसके पास हम चलते हैं, मैं तुम्हारे थ्रू अपने डाउट क्लियर कर लेता हूँ, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ये सब क्या है, तुम जब भी आते हो मुझे हर बार कोई ना कोई नई बात बताते हो। वो मैंने अनजाने में ट्राई किया सर, तो फ्लो में काम हो गया। फ्लो में? जी हाँ सर। गुड, अभी मुझसे कौन बात कर रहा है? सर सर अर्जुन सर। यू आर श्योर? कॉन्फिडेंट सर। अर्जुन का मुझसे बात करना एक्चुअली मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। टेल मी समथिंग, तुम ऋषि की बॉडी में कैसे एंटर हुए? सर सर एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ, मुझे इल्यूजन्स याद नहीं है, वो मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन हैं, मेरे फ्रेंड्स कौन हैं, मैं क्यों ऋषि की माँ को मेरी माँ समझकर उसकी लाइफ जी रहा हूँ, असल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक्चुअली तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम मर गए हो और ये सोच नहीं पा रहे हो, पर रियलिटी में तुम मर के उसके शरीर के अंदर रह रहे हो, तुम्हारी मेमोरी एक्टिव नहीं है, ऋषि की मेमोरी एक्टिव है, इसलिए ऋषि जो कर रहा है वो तुम कर रहे हो ऐसा तुम समझ रहे हो, है ना? So let's do one thing, तुम्हारी मेमोरी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन तुम अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से मिलो, अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो उस रिजल्ट के बेसिस पे केस को कैसे सॉर्ट आउट करना है I'll see to it। क्या हुआ सर, टेंशन में क्यों है? अर्जुन का केस कमिश्नर साहब ने मुझे सौंप दिया भाई, ये पता चलते ही सुभाष भाग गया, अर्जुन के साथ आईने में तुम्हारी ही बातचीत हुई थी ना, इसलिए पूरी इंक्वायरी करके मुझे ही क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो सर, सर मैं ऋषि बात कर रहा हूँ। सर ऋषि सर नमस्ते, एक मिनट, तू उधर घूमना, कान बंद कर अपने। सर सर मुझे अर्जुन कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर, लेकिन एक बात बताइए सर, मेरा नंबर आपको किसने दिया सर? आपका नंबर तो डॉक्टर ने दिया सर। लग गई। घर में जाना है तो बहुत नर्वस फील हो रहा है। मेरे पिताजी बहुत हिम्मत वाले हैं।
और अब वो पैसे रो रहे हैं तो मैं उन्हें कह भी नहीं पा रहा हूँ कि रोइए मत पापा। सॉरी ब्रदर, मेरा रोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम्हें कैसे संभालूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ ब्रो, कुछ याद आया? मेरे पिताजी CBIT में प्रोफेसर हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ, मेरे घर में मेरी माँ ही डाउन है। मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, मैं और मेरे पापा मिलकर दारू पीते थे और मेरी माँ ने देख लिया तो शाम होता जाता था। कहा था टॉनिक है इसलिए मैंने पी लिया, तुम मुझसे तो कुछ कहती नहीं। मैं अर्जुन से MBA करते वक्त मिली थी एंड वी इंस्टेंटली क्लिक्ड। हमारी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी। अर्जुन का गुस्सा तो और भी फेमस था, पर वो मेरी बात सुनता था। पर मेरे डैड ने उनकी भी बहुत इंसल्ट की। उसके बाद अर्जुन के घर वालों ने भी कहा कि अगर लड़की वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम भी इस शादी के खिलाफ हैं। ओए बटरफ्लाई, तो अब शादी कर ले। सब ठीक हो जाएगा। हमारी शादी के कारण हमारे घर वाले हमसे दूर हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ से बहुत डर लग रहा था। माधवी कभी कभी अपने पिता से फोन पर बात करती थी, पर मैं ही, माँ ने मुझे कभी समझा नहीं। इस गुस्से में उसे पूरी तरह दूर हो गया। शादी होते ही माधवी का फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए मैंने सरप्राइज प्लान किया था और रिटर्न आते समय मेरी कहानी बस इतनी है। तुम अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी लाइफ भी ना तुम्हारे मेरी बॉडी के अंदर आने से पहले बहुत हैप्पी और जॉली हुआ करती थी, पर जब से तुम मेरी बॉडी के अंदर आए हो लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं हाउस अरेस्ट हो गया हूँ। सॉरी ब्रदर। ब्रदर, उस दिन माधवी दिया उस फादर के पास गए थे ना, उन्होंने ऐसी एक घटना ग्रीस में हुई थी उसके बारे में बताया था। वन मिनट। बहुत सालों पहले ग्रीस के एक गांव में ऐसा कहा जाता था कि शैतान की पूजा करने से इंसान अमर हो जाता है, इसीलिए एक आदमी छुप के गांव की जनता की बलि चढ़ाता था। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चला उन्होंने उसे मार दिया। कुछ सालों बाद एक छोटे बच्चे को वो तांत्रिक आईने में नजर आया। उस बच्चे के शरीर से उसे निकालने के लिए और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उस बच्चे को ही मार दिया गया। मतलब कि मेरे मरने के बाद ही तुम मेरी बॉडी से जाओगे? ऐसा मत बोलो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस वक्त तो पुराना टाइम था और अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है। मैं कुछ आइडिया सोचता हूँ, तुम भी सोचो ना। तुम्हें तकलीफ दिए बिना ही मैं तुम्हारी बॉडी से निकल जाऊंगा। सुबह दोबारा डिस्कस करेंगे। अर्जुन, गुड नाइट ब्रो। ब्रो, मैंने रात भर सोचा, बहुत से वीडियोस भी देखे, बहुत वायलेंट होते ही बॉडी से निकल जाता है। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं वायलेंट होने की ट्राई करूं, शायद बॉडी से बाहर निकल सकूं। चुप करो ब्रो, वीडियोस देखने के बाद मेरी पैंट गीली हो गई थी। अब बस बहुत हुआ, अब नहीं देखना मुझे। लेट्स फॉलो द रूल्स एंड गो टू द डॉक्टर। ब्रो, अरे क्यों इतना डर रहे हो? मैं ना ही किसी को डराऊंगा और यूज करूंगा। मैं बस खुद ही वायलेंट होने की ट्राई करूंगा। काम कर गया तो अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर ने जैसा कहा वैसा फॉलो करेंगे।
तुम्हें मेरी बॉडी से निकल जाने की इतनी जल्दी है तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। लेकिन ट्राई करने से पहले मेरी लाइफ के फैक्ट्स तुम्हें जानने होंगे। विल यू नोट इट डाउन? हाँ। बेसिकली मैं चलने से जल्दी थक जाता हूँ। हाँ? बारिश में भीगते ही बुखार आ जाता है, पूल में कूदने के बाद भी बुखार आ जाता है, धूप को देखूं भी तो पसीना आने लगता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद तुम जितना वायलेंट होना चाहते हो उतना वायलेंट हो जाओ। मेरा फुल सपोर्ट तुम्हें। दैट्स द लीस्ट आई कैन डू। थू राउंड 1 एक्वामैन। क्या हुआ ब्रो, तुम्हारे फेस के इमोशंस लूज मोशंस की तरह लग रहे हैं। अभी इस बाथ टब में हम दोनों की गर्दन डुबोकर हमारी सांस रुकने के लास्ट सेकंड तक हम गर्दन पकड़ कर रखेंगे ना, तो पूरा होने के लास्ट सेकंड में ही ऐसा करेंगे तो तुम्हारी बॉडी से मैं बाहर चला जाऊंगा। वन मिनट ब्रो, मेरी माँ से मैं एक बार ना। ये क्या कर रहे हो ब्रो? मुझे बात मेरी बात तो सुनो ब्रो, क्या कर रहे हो? अरे मेरी बॉडी से निकलने के लिए मुझे बाथरूम में डुबो के मारना चाहते। अगर एक बार और डूबा ना तो तुम्हें मेरी बॉडी से क्या निकल पाओगे ब्रो? मैं खुद ही अपनी बॉडी छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो ब्रो। राउंड 2 रम ककार रम। ब्रो लगता है ये नई मशीन है, कवर भी मैंने अभी ही निकाला। हाँ, शादी के बाद वाइफ को बिल्डअप देने के लिए मैंने खरीदा था, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बिल्डिंग दे दी तो बॉडी बिल्डिंग की अब क्या जरूरत है। ये स्पीड अपने आप क्यों बढ़ रही है? अरे तुम बढ़ा रहे हो क्या? ब्रो ब्रो नहीं ब्रो, स्पीड मत बढ़ाओ, मेरी बॉडी में स्टेमिना उतना बचा नहीं है। समझने की कोशिश करो ब्रो। ब्रो ब्रो मत करो ब्रो, ब्रो इतनी फास्ट नहीं ब्रो। ब्रो क्या कर रहे हो ब्रो? ब्रो मैं मर जाऊंगा ब्रो। अरे ब्रो बेटा, तुम्हारे अंदर एक प्रेत आत्मा है। अच्छा, वो बात मुझे पता नहीं है क्या? भूत को डायरेक्टली दिखाऊंगा, आप बस निकाल दो। दिखाऊंगा कह के ये घूम क्यों रहा है? क्या दिखाएगा? ये देखिए, देख लो। पता नहीं क्या होगा। ये तांत्रिक 1, तांत्रिक 2, मेट ऋषि। बहुत फेमस है। कुछ ना कुछ करके भूत को किसी तरह भगा दीजिए। बेटा मुझसे नहीं होगा, जिन्हें भूत पकड़ता है वो यहाँ भगाने के लिए आते हैं। इन पत्तों से उन्हें मारता हूँ और कहता हूँ कि भूत भाग गया तो वो मान लेते हैं। अब इन पत्तों से तुम्हें मारूं या पैड में जो है उसे मारूं? किसे मारूं बेटा? ऐसा कहोगे तो कैसे होगा, और मेरे पैसों का क्या? तुम एक काम करो, ये लो, तुमने जो 2000 दिए और मैंने जो आज कमाया ये सब लेकर तुम चले जाओ। मुझे छोड़ दो बेटा। अरे ग्लास नीचे कर, ग्लास नीचे करना। अब तुम्हें सनग्लासेस भी पहनने? अरे क्या परेशानी है यार, अनजान बन के तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। ए अगर पकड़ा तो 2 दिन के लिए अंदर। अबे सर से आवाज आ रही है यार, जैसे नारियल बजते हैं ऐसी आवाजें आ रही हैं। हंस क्यों रहा है यार, मुझे टॉर्चर करके तुझे मजा आ रहा है? सॉरी ब्रो। तुम और अर्जुन भूत हो ये समझकर तुम्हारी फोटोज मैंने बेडशीट में बांध कर छुपा दी थी। अच्छा जब मैंने ऐसा किया था तो तुम्हें कैसा लगा? ये सब कुछ कोई भूत कर रहा है ये सोचकर डर गई थी, फिर मैंने अगर कुछ किया और तुम गुस्सा हो गई तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। Oh.
किसी इंसान को गहरी नींद से उठा करके आईने के सामने खड़ा करना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। I'll sue you। एक बार मेरी बात तो सुन लो ब्रो। उस दिन मेरे एक्सीडेंट वाले रोड पर है, रोड ब्लॉक है, ऐसा तुमसे किसी ने कहा था? हम कल बात करें ब्रो, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे। पहले बताओ ब्रो। ब्रदर, वहां कोई डायवर्जन नहीं था, कार एक्सीडेंट हुआ इसीलिए हम वहां पे रुक गए, और वो रास्ता ना सीधे मेरे घर को ही आ रहा था। तुम इतने परेशान क्यों? फ्लैशबैक में कुछ याद आ गया क्या? तुम्हें स्टोरी बतानी है क्या? ब्रदर ब्रदर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम्हारी सारी स्टोरी मुझे कल सुबह बता देना, अभी बहुत नींद आ रही है, अभी सोने चले जाते हैं, कल बात करेंगे। सॉरी ब्रो, जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। थैंक यू ब्रो। ए क्या बकवास है, क्या मतलब कि सोने नहीं दूंगा? मुझे सोना है, मैं जा रहा हूं। ए फोर्स मत कर मुझे, फोर्स क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है तू, छोड़ मुझे। अर्जुन, इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो चलकर सोते हैं। हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमें मारा गया है, ये एक्सीडेंट नहीं था, पूरा मर्डर प्लान था। अर्जुन अर्जुन शांत हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब तक हम जिंदा थे तब तक हमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी अर्जुन, अब मर गए हैं अर्जुन, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हारे कारण ऋषि को कुछ हो गया तो? अर्जुन, अब अगर तुमने किसी के साथ भी झगड़ा किया ना तो तुम्हारी वजह से ऋषि जेल जाएगा। ऋषि को छोड़ दो अर्जुन प्लीज। ए, क्यों छोड़ दो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई माधवी। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो अर्जुन? जब हम दोनों जिंदा थे तब तुमने मेरी बात नहीं मानी, कम से कम अब तो मेरी बात सुनो प्लीज। यू प्रॉमिस हमारी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे साथ जो भी हुआ वो पुलिस देख लेगी अर्जुन प्लीज। मरने के बाद ये गुस्सा द्वेष, इससे क्या हासिल होगा अर्जुन? जितनी जल्दी हो सके ऋषि और दिया को छोड़कर चले जाएंगे। प्लीज मेरी बात सुनो अर्जुन। जाओ, जो करना है करो। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान शांति से रहता है, पर तुम्हारे कारण मरने के बाद भी मैं शांति से नहीं रह सकती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तुम्हें सब बातें याद आ रही हैं। आई मीन थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू यू, इसलिए ऋषि का ब्रेन कंफ्यूजन में है। तो फिर अब क्या किया जाए डॉक्टर? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ऐसे केसेस में ब्लड वॉमिटिंग होना बहुत नॉर्मल बात है, बट वी विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी। डॉक्टर, नोज ब्लीडिंग होना क्या नॉर्मल बात है, या कि पेशेंट को डर ना लगे इसीलिए आपने वो बात कही थी? असल में ब्लीडिंग आखिर क्यों हुई थी डॉक्टर? जस्ट टू मिनट्स। Here. इसे नीचे फेंकते रहो। What? Come on, just try it. Okay. Don't stop that action. Here, take. अब वो करते हुए इस बॉल को ऊपर फेंको और फिर पकड़ो। Are you serious? All right. Come on. Yes. No. देखा क्या? आपके दो हाथों से दो different actions करने की वजह से आपका brain confused हो गया है। सर्कस में जिमनास्टिक्स, जगलिंग, एक्रोबैट ये सब करने वाले कई सालों तक प्रैक्टिस करके बॉडी को, माइंड को अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं। ऐसी कंडीशन में ब्रेन को दो लोगों की यादें,
इमोशंस, ऋषि को जो डर था, अर्जुन को जो गुस्सा है, जो दुख है, ये सब जो दो दो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उस पर हावी होंगे, तो वो ये ब्रेन कैसे सह पाएगा। फर्स्ट टाइम ऋषि की जान को खतरा है ये सोच के मैं भी फिक्र में आ गया था, पर ये बात मैंने उन्हें बताई नहीं, इसीलिए वेयर डू आई बिगिन विद। एक्चुअली ऋषि का ब्रेन कोलैप्स हो गया है, नाक से खून बह रहा है, ऐसा अगर दो तीन दिन चलता रहा तो ऋषि की लाइफ को खतरा है। रिलैक्स प्लीज, डोंट वरी, वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन। कितना टाइम लगेगा? आप कैसे मर गए सर? एक्सीडेंट था क्या? एक्सीडेंट था तो कार के दोनों मिरर्स एक ही साथ कैसे टूट जाएंगे? और टूटे हुए बियर के बॉटल्स स्पॉट पे कैसे मिलेंगे? आप दारू पी के गाड़ी चला रहे थे क्या, या फिर आपका किसी ने मर्डर किया है सर? सर मुझे एक छोटा सा डाउट है ब्रदर, सब देखकर हम ही बताएंगे तो सर क्या उखाड़ना है? भाई क्या उखाड़ना है क्या नहीं उखाड़ना है मुझे अच्छे से पता है, भूत हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो लॉकअप में ले जाकर मैं तुम्हारी ऐसी तो भूल गया था, मैं भूल गया था। क्या भाई ये कॉमेडी पीस की तरह बातों से ही डर कर कहां पर है बेचारा, ये अगर केस देखेगा तो समझो सॉल्व हो गया। क्यों भाई तुम सच में भूत ही हो ना? भूत का मतलब जिस आदमी ने उसके साथ बुरा किया होगा मरने के बाद भटक कर उससे बदला लेता है, उसका कलेजा निकाल कर उसके खून से नहाता है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ और तुम मुझे ही डरा रहे हो। देखो ऋषि, इसका तेरी बॉडी में से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तू जा यहाँ से, जा। हाँ ऐसे क्यों घूर रहा है, गुंडा है, डराएगा? जो बोला है दोबारा बोलूं क्या? दया करके यहाँ से चला जा भाई, अपनी गलती मानता हूँ। चल ऋषि, तुझे पहले ही कहा था ना पुलिस से काम नहीं होने वाला। करके पुलिस की नौकरी फंस गया, भूत पिशाच के चक्कर में मर गया। ए भाई मूर्ति, वो अर्जुन केस की डिटेल मुझे अर्जेंटली चाहिए भाई। उस केस से संबंधित जो भी फाइल है वो सब आधे घंटे के अंदर टेबल पे चाहिए। कार के ब्रेक की कंडीशन कैसी है ठीक से पता करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है सर। वो जब से ऋषि की बॉडी में गया है वो कहां कहां गया था पूरी रिपोर्ट मुझे दो। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि कोई तो है जिसने उसकी हत्या की है, कोई भी एविडेंस मिस नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो अर्जुन, इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको कितनी बार बताऊं सर, इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन अर्जुन। सर मैं जो कह रहा हूं वो एक बार सर। आगे एक्सीडेंट हो गया इसलिए रास्ता बंद कर दिया, आप बाजू वाले रास्ते से निकल जाओ। मैं बाद में बात करता हूं। This is really strange, doctor. मैं first time अपने करियर में एक surgery के लिए इतना nervous feel कर रहा हूँ। This is probably because I'm looking into this case personally. So, doctor, आप जो सर्जरी मुझे करने के लिए कह रहे हैं वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। एक इंसान के ब्रेन में दोनों की मेमोरीज एक ही समय एक्टिव होना इट्स हाईली इम्पॉसिबल डॉक्टर। आप एक सुपर नेचुरल विषय को साइंस के जरिए ट्रीट कर रहे हैं। उतना ही नहीं, ऋषि के ब्रेन सेल्स, नर्व्स एंड टिश्यूज कंप्लीटली डैमेज हो गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो जिंदा कैसे है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू डॉक्टर, इस सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस 10% पे नहीं है। इतना ही नहीं, ऋषि की जान को भी खतरा हो सकता है। देन इट्स अप टू यू। यू नो व्हाट डॉक्टर ईश्वर, अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे तो वो मैक्सिमम 10-15 डेज ही सर्वाइव करेगा। सो वी माइट एज वेल टेक अ चांस एंड बिलीव दैट मिरेकल्स डू हैपन। देन लेट्स डू इट डॉक्टर, लेट्स गिव इट अ शॉट। डॉक्टर ईश्वर बहुत ही एफिशिएंट डॉक्टर है, वो ऋषि के ब्रेन की एक छोटी सी सर्जरी करेंगे और उस वजह से तुम उसकी मेमोरी से आउट हो जाओगे। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सर्जरी कीजिए, ऋषि की फैमिली बहुत टेंशन में है, कम से कम वो तो पीसफुली रहेंगे। इससे मेरा चैप्टर ओवर है ना डॉक्टर। ओए, हाँ? कितने दिन हो गए तुमने मुझे बटरफ्लाई कहकर नहीं पुकारा? हाँ? कितने दिन हो गए तुमने मुझे बटरफ्लाई कहकर नहीं पुकारा? माधवी, थोड़ा पेट में अजीब सा हो रहा है, 10 मिनट में आ जाऊंगा। अब कहाँ जाओगे? बाथरूम में, अभी आ जाऊंगा, 10 मिनट्स, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी, जल्दी आना। ब्रदर, पता नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत, पर एक बार भरोसा करो, मेरे कारण तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ठीक हो ना? अब सब कुछ ठीक है। ओए बटरफ्लाई, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, आई लव यू। आइए कृष्णा जी, आइए कृष्णा जी। दोबारा ये दिन आएगा नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे ऐसा ही सोचा था चौक रखकर ने। वो बात नहीं है सर, व्हाट आई एम सेइंग इज आज ऑपरेशन है, आज ही पोस्टपोन करेंगे तो कैसे? बाद में करो सर, अर्जुन के साथ बात करने के लिए मुझे 1 घंटे चाहिए। ओके। इंक्वायरी के लिए जब आया था
तू क्या उखाड़ लेगा, ऐसा बोल के पुलिस वाले का ईगो हर्ट किया। ऋषि के शरीर से जाने से पहले मैंने क्या उखाड़ा है तुम्हें पता चलना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा ऑपरेशन पोस्टपोन कराया। अब तुम कैसे मरे मैं बताता हूँ, सुनो। क्यों भाई, उस दिन क्या हुआ था बताओ। सर, एक्सीडेंट वाले दिन मैं उसी रास्ते से जा रहा था, मैं सही चला रहा था, पर वही कैलेसी ड्राइव करके मेरे सामने आ गया। मेरी कोई गलती नहीं है सर। इसकी कोई गलती नहीं है ये मुझे साफ समझ में आ रहा है। बाबू अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। सुभाष बाकी लोगों को बुलाओ। अर्जुन अब आगे की कहानी सुनो, बताओ भाई इनको क्या हुआ था। इसने बस्ती में हमें एक बार मारा था सर, इसके कारण बस्ती में हमारी पूरी इज्जत चली गई। हमने सोच लिया था कि हम इससे बदला जरूर लेंगे। I love you, अर्जुन। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुन यार, चल जाते हैं। चुप्पे। एक्सीडेंट हुआ है ऐसा कह के हमने रूट बदलवा दिया और उसे मारने का प्लान किया, और जब उस रूट पर हम उसे फॉलो कर रहे थे, अरे ये तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अरे अपना काम आसान हो गया ना, इसको यहीं पे टपका देते हैं। एक मिनट रुक, पहले देखते हैं कोई बाहर मत निकलना। मर गया क्या? अच्छा हुआ, स्पॉट में ही मर गया लगता है। हमें लगा कि वो मर गया, पर अगले दिन हमें वो सिग्नल पे दिखाई दिया। ए भाई वहाँ पे देख। क्या हुआ यार? वो कहीं भूत बन के हम लोगों को जान से मारते, इसीलिए उस जगह से हम लोग भाग गए थे सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, कल इसने मुंह पे रुमाल बांध कर हमें मारा सर। हम डर से शहर छोड़कर भागना चाहते थे सर, पर आपने हमें पकड़ लिया सर। हमने मारने का सोचा जरूर था, लेकिन हमने उसे मारा नहीं सर। अभी क्या, इन्हें अंदर डालो सर, चलो। बाबू सर, थर्ड टीम को बुलाओ। ओके सर। 10 दिन पहले ही मेरे दादाजी की डेथ हुई थी सर, उस रात को हम शमशान में बैठकर दारू पी रहे थे। अरे एक्सीडेंट, चलो चलो देखते हैं। देख, अरे मैडम, मैडम ठीक है सर, दरवाजा नहीं खुल रहा सर, दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए। अरे पागल है क्या, उसे बचाने के लिए हमने कांच तोड़ दिया। अब पुलिस आएगी तो हम लोग को ही पकड़ लेगी, उसके बाद हम कुछ भी बोलेंगे वो मानेंगे नहीं, कहेंगे कि दारू पी के पैसों के लिए उन्हें मार दिया, फंसा देंगे हमें। चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने अपने नंबर से एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन किया, वो हमने ट्रेस करके पकड़ लिया, लेकिन इस केस से इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू, अब तुम लोग जा सकते हो। मिस्टर अर्जुन, 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 किसी भी केस को अच्छे से हैंडल करना जरूरी है, वरना डर होता है कि हम रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे। तुम्हारा केस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए पुलिस वाले पागल और गधे होते हैं, कभी मत सोचना। थैंक्स सर। सर, मरने के बाद भी दुनिया देख रहा हूं तो वो सिर्फ ऋषि के कारण ही है सर। मेरा इकलौता फ्रेंड बस वही है, मेरे कारण उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए माधवी ने मुझसे कसम ली है। उस दिन पुलिस स्टेशन में भी मैंने आपको चिढ़ाया, आपको डराया, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं सर। केस की इन्वेस्टिगेशन के कारण ऋषि को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने ना पड़े, इसी डर से मैंने किया था सर। बुरा लगा होगा तो सॉरी सर। मेरी मौत कैसे हुई यह आप ही ने पता लगाया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों से हमें किसी ने मार दिया था ये सोचा था, उन्हें जान से मार देने का मन कर रहा था, पर ऋषि को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसलिए रुक गया। उन्होंने जो गलती की है उन्हें उसकी सजा मिल गई, मेरे कारण तुम्हारी भी तो मौत हो गई, तो मेरी सजा क्या है?
मेरे पिता हमेशा कहते थे संभल के। मुझे अभी समझ में आ रहा है बटरफ्लाई, हमें अगर कुछ हो गया तो हमें प्यार करने वालों को ज्यादा तकलीफ होती है। मेरी सिर्फ एक गलती के कारण हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। अर्जुन, उस एक्सीडेंट का कारण मैं भी तो हूं ना। उस एक्सीडेंट में अगर तुम्हें अकेले कुछ हो जाता तो ये सोचा है कि फिर मैं अकेली कैसे जिंदा रहूं? You are my world. मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूं, यही मेरे लिए काफी है। मरने के बाद भी दोनों साथ हैं तो वो क्यों हैं अभी समझ में आ रहा है माधवी। बेटा कौन हो तुम, क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम अंदर चले आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? कौन है ये? मैं इससे कब से पूछ रहा हूं, कौन हो बता ही नहीं रहा। आप यहां आइए। एक बार सामने आईने में देखिए। दिखाई दे रहे हो, मेरी आंखों से ही अर्जुन आप लोगों को देख रहा है। अर्जुन अब बस कुछ घंटों के लिए मेरी बॉडी में रहेगा, लेकिन जाने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा थी आप दोनों को देखने की। इस आईने में देख के आप उससे बात कर सकती हैं माँ जी। माँ, सुनाई दे रहा है? माँ, सुनाई दे रहा है बेटा। आपको रोता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ, एक बार मुझे गले लगा लो माँ। भूख लग रही है माँ। अरे रुक। अच्छा सुनिए, आप दुकान जाकर, अच्छा नहीं नहीं, आप बेटे के साथ ही रहिए। घर में क्या है ये, क्या मेरे तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे। हाँ इडली का आटा है, अरे नहीं वो तो खत्म हो गया, क्या क्या बना कर दूँ उसे, इसे क्यों निकाला मैंने, मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अरे हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों रो रही हो माँ? सबसे बड़ी ब्लेसिंग है माँ,
आपने कभी मुझे दुखी नहीं होने दिया, चाहे जिंदगी में कैसे भी सिचुएशन आए, आपको हमेशा खुश रहना होगा। मैं जहां भी रहूंगा किसी ना किसी रूप में आपको हमेशा देखता ही रहूंगा। आइए पापा, यहाँ आइए ना पापा। I'm sorry, पापा। आप लोग हमेशा खुश रहना, इससे पहले मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, सॉरी। बेटा, अब मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ पापा। चुप हो जा। देखकर मैं कितनी खुश हूं बता नहीं सकती, मेरे लिए ये मोमेंट ही काफी है। आई हैव नो रिग्रेट्स। किसी को प्यार करने से जिंदगी भर साथ रहते हैं ऐसा कहते हैं, पर तुम मरने के बाद भी मेरे साथ ही हो, अभी भी। हम यहां से चले जाने के दुख से ज्यादा कल तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा, इस बात का डर है माधवी। बटरफ्लाई, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। ओके, नो मोर ऑल दिस क्राइंग। मैं तुम्हारी स्माइल देखना चाहता हूं। आई लव यू टू द मून। उठ गया क्या? गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट द प्रोसीजर? माँ, डॉक्टर क्यों आया है? मैं यहाँ क्यों? क्या हुआ माँ? वो दरअसल मैं क्या हुआ माँ? बोलो ना। ऋषि, जरा आईने के सामने आना। ओके। मुझे लगता है इसकी बॉडी से अर्जुन चला गया है, ये ठीक हो गया। ए, मेरी बॉडी में कौन है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ था ना? नहीं मेरे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गए, सब ठीक है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? अगर ऐसा था तो वो पहले ही जा सकते थे ना। आईने में आपके बदले अर्जुन का दिखाई देना एक बहुत बड़ा मिरेकल है। आपकी बॉडी से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था तो अर्जुन को बहुत तकलीफ हुई थी। कल आपके द्वारा वो अपने माता पिता से मिलने गया, वहां अर्जुन माधवी को अपनी लाइफ कंप्लीट होने का सेटिस्फेक्शन हो गया है ऐसा मैं मानता हूं। अर्जुन को मॉर्निंग हग देके सेंड ऑफ करने का सोचा था पर उसका मौका नहीं मिला और वो खुद ही चला गया। इसमें अच्छी बात यह है कि बच्चों के साथ और एक बार अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला तो अर्जुन माधवी के पेरेंट्स थोड़े नॉर्मल हुए। सुनिए, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आपको क्या हुआ? आप भूल गए अर्जुन से क्या कहा था?
वादा किया था ना कि हम खुश रहेंगे, याद है ना? चलिए उठिए, ऐसे उदास मत बैठिए, जाकर वॉक करके आइए, जाइए। हाँ। रियल लाइफ में ये बात पॉसिबल होगी, अगर ये कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं। ये मेरी ही थ्योरी है, मेरे लिए कन्विंसिंग है। नेचर के खिलाफ जो होता है उसे पेपर में न्यूज के तौर पर पढ़ने के अलावा ह्यूमन इमोशंस के मैजिक को साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। मे बी इन द नियर फ्यूचर वी विल हैव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू दिस, हु नोस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इन योर थीसिस ट्राई एंड कम आउट विद न्यू आइडियाज, विद डिफरेंट आइडियाज। ऑल द बेस्ट। थीसिस पूरी होने के बाद एक बार फिर आना, हाँ, दोबारा मिलेंगे। गुड लक। थैंक यू डॉक्टर। बाय सर। I'll just come. Doctor, if you don't mind, one last doubt. क्या अर्जुन दोबारा आएगा? आएगा तो अच्छा होगा. They were really a cute couple. And moreover, that bloody fellow owes me a hug. मुझे कुछ बोले भी नहीं चला गया वो. पता नहीं क्यों हग करने का मन किया. What's your name again? अर्जुन, let's go. आ रहा हूँ माधवी. जल्दी करो. चलता हूँ डॉक्टर. अर्जुन, तुम मुझे हमेशा माधवी के नाम से क्यों पुकारते हो? Because I love you butterfly and you are the best thing that happened to me. ये बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी, टाइम आने पे खुद समझ जाओगे। सिर्फ हमारे भारत देश में ही साल में 15,000 से ऊपर रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है। इनमें से कितने अर्जुन और माधवी को मरने के बाद भी अपने परिवार को, उन्हें प्यार करने वालों को मिलने का अवसर नहीं मिला होगा। लेट्स प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, खुद के लिए नहीं तो कम से कम आपसे प्यार करने वालों के लिए।